Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. तो guys, आज मैं आपके लिए लाया हूँ Toyota Camry Hybrid का first look. तो चलते हैं Toyota Camry की तरफ. ये है Toyota Camry Hybrid 2019 model. इसकी प्राइस 1.60 crore है. इंजन साइज की बात कर लें तो 2500cc का इंजन है. Camry D सेगमेंट में आती है. इस गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आती हैं जिसका लुक काफ़ी एग्रेसिव है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. फ्यूल एवरेज की बात करें तो कैमरी हाइब्रिड विद इन सिटी 16-17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है और हाईवे पे 20-21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है. कैमरी हाइब्रिड 2019 मॉडल की ग्राउंड क्लियरेंस कैमरी हाइब्रिड के ओल्ड मॉडल लाइक 2012 और 2013 से बेहतर है. क्योंकि कैमरी का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इसलिए इसमें पार्किंग सेंसर्स और हेडलैम्प वॉशर जैसे फंक्शन भी अवेलेबल हैं. इस गाड़ी में 18 इंचेस के अलॉय रिम्स आते हैं. कैमरी अगर कंपेयर करने की बात करें तो होंडा अकॉर्ड और हुंडई सोनाटा से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हुंडई सोनाटा का कंफर्ट और पिक दोनों ही कैमरी से कम है क्योंकि उसका हॉर्स पावर कम है. अगर फीचर्स की बात करें तो डोर में कीलेस एंट्री सेंसर अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ. इंटीरियर का फर्स्ट लुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. अब बात कर लेते हैं डोर की. डोर में वही फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में होते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है. अगर डोर की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. ये बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग हमारी लोकल गाड़ियों में तो नहीं होती. उम्मीद है कि इन फ्यूचर यही बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग हमारी लोकल गाड़ियों में भी हो. अगर इंटीरियर के फर्स्ट लुक की बात की जाए तो इंटीरियर का फर्स्ट लुक काफ़ी इंप्रेसिव है. अब गाड़ी में अंदर बैठ के चेक करते हैं कि उसकी फील कैसी है. जैसा कि आप सबको पता है कि कैमरी एक लग्जरी गाड़ी है, तो इसकी फील भी बिल्कुल लग्जरी गाड़ी जैसी ही है. फीचर्स की बात कर लें तो गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, USB कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और यह आ गया आपका पुश स्टार्ट बटन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. गाड़ी में वायरलेस चार्जर, ट्रिप्टोनिक गियर अवेलेबल हैं, लेकिन पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में एक ड्रॉबैक है. अब पीछे बैठ के चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी और लेग स्पेस कैसी है और गाड़ी का कंफर्ट कैसा है. चलें बैठ के आपको दिखाते हैं गाड़ी का कंफर्ट कैसा है. लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है और गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं. इस गाड़ी में सन शेड्स बिल्ट इन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और सन शेड्स की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है. सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लेकिन बैक सीट्स पे दो ही लोग बैठ सकते हैं क्योंकि बीच में एक हम्प है. ये आ गए AC वेंट्स और चार्जिंग सॉकेट रियर पैसेंजर्स के लिए. कैमरी में दो इंटीरियर कलर्स आते हैं, एक फुल ब्लैक और एक बेज एंड ब्लैक. बेज इंटीरियर के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक इंटीरियर. तो अब आपको दिखाते हैं पैनारोमिक सनरूफ. क्योंकि ये कैमरी का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक ट्रंक ओपनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है. तो चेक कर लेते हैं ट्रंक की स्पेस कैसी है. ट्रंक काफ़ी स्पेशियस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. दो बड़े सूटकेसेस और एक बैग इसमें इजीली फिट हो सकता है. लुक उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट लुक अच्छा लगा होगा. और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे.